नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न को किस प्रकार रिवाइज किया जा सकता है और इसके लिए क्या टाइम लिमिट है और कौन से केस लॉज इशू किए गए हैं। दोस्तों, आप इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं यदि आपने कोई ओमिशन कर दी है या फिर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है जो ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल की थी। आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से 3 महीने पहले तक ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR को रिवाइज़ करने की डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की थी सर्कुलर के द्वारा। दोस्तों, CBDT के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें के बताया गया था कि असेसमेंट ईयर 21-22 की आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2022 तक। क्या कोई व्यक्ति बिलेटर रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो उसे बिलेटर रिटर्न कहा जाता है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी नॉन ऑडिट केसेस में। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर 3 जनवरी 2022 को रिटर्न फाइल करता है और उसके बाद उसे पता लगता है कि उसमें उसने कोई गलती कर दी है या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है, तो उस केस में वो रिटर्न रिवाइज़ कर सकता है 31 मार्च 2022 तक। दोस्तों, यदि आप ITR को रिवाइज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने डिविडेंड इनकम डिक्लेयर नहीं की थी अपनी ITR में, तो उस केस में आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड में जाना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो यूटिलिटी दी गई हैं आपने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप यूटिलिटी को रन करेंगे तो यहाँ पे वर्जन आ जाएगा यूटिलिटी का। आप लेटेस्ट वर्जन से ही ITR को प्रिपेयर करें, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप रिटर्न ITR 1 से ITR 4 इस यूटिलिटी के द्वारा मान लीजिए बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे प्री फिल्ड डेटा इनकम टैक्स की वेबसाइट से और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। प्री फिल्ड डेटा को डाउनलोड करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करके डेटा को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ये चूज़ कीजिए और डाउनलोड बटन पे प्रेस कीजिए। दोस्तों, उसके बाद आप यूटिलिटी में JSON फाइल से क्या आपने डाउनलोड किया था उसे इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेक्टिव स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि इंडिविजुअल, HUF एंड अदर टेक्स्ट्रा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे ITR का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे जो कि आप फाइल करना चाहते हैं। मान लीजिए ITR 3 आप फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 3 के साथ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब देने हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है और इनकम, बिजनेस, डेप्रिसिएशन, टैक्स के शेड्यूल हैं, तो आप रिस्पेक्टिव शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो सबसे पहले वाला शेड्यूल है यानी कि पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और कंटिन्यू बटन पर प्रेस कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर पार्ट ए यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले ही सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 सेलेक्ट हो गया है यानी कि रिवाइज रिटर्न आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, और जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसका रिसीट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है क्योंकि आपने प्री फिल JSON फाइल को इम्पोर्ट किया था। फ्रेंड्स, इसके बाद का प्रोसीजर सेम है, जैसे कि आपने ओरिजिनल ITR फाइल की थी वैसे ही आपको रिवाइज ITR फाइल करनी है यानी कि JSON फाइल जनरेट करनी है और उसे आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं इसी चैनल CS20 सिंह पे, ITR 1 कैसे फाइल करनी है, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। दोस्तों, अब कुछ केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी और उसके बाद उसे CPC बेंगलोर से इंटीमेशन मिल जाता है सेक्शन 143(1) का, क्या वो उसके बाद रिटर्न रिवाइज कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में ITAT ने डिसीजन दिया है कि व्यक्ति इंटीमेशन को रिसीव होने के बाद भी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कैपिटल एसेट सेल किया है और उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसे ड्यू डेट तक ये अमाउंट यूज़ करना होता है। यदि अमाउंट अनयूटिलाइज रहता है तो उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट जमा करना होता है। यदि वो रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक भी अमाउंट जमा कर देता है तब भी वो सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स के। इसके लिए ITAT ने डिसीजन दिया है।
यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया गया है लेकिन इसे ओरिजिनल रिटर्न में नहीं दिखाया था, तो इसके लिए भी ITR को रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसका एविडेंस है बोर्ड की मिनट बुक्स और टैक्स ऑडिटर के द्वारा भी। यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इसकी कन्फर्मेशन दे दी जाती है तो ITR को रिवाइज किया जा सकता है। यदि टैक्स पेयर कंपनी के द्वारा कोई रिटर्न फाइल की गई थी लेकिन उसके साथ ऑडिटर P&L बैलेंस शीट नहीं लगाई थी, क्या उसे वैलिड माना जा सकता है? केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं। SSC कंपनी के द्वारा रिटर्न में लॉस डिक्लेयर किया गया था लेकिन बैलेंस शीट और P&L फाइल नहीं किया गया था। असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इस रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न नहीं माना गया था और ना ही कोई डिफेक्टिव नोटिस इशू किया गया था। उसके बाद 2003 में SSC के द्वारा दूसरी रिटर्न फाइल की गई और उसके साथ ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट और P&L भी लगाया गया और लॉस को इन्हेंस कर दिया गया। इस केस में असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि जो पहली रिटर्न फाइल की थी वो वैलिड नहीं थी क्योंकि उसके साथ वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, और दूसरी रिटर्न क्योंकि टाइम लिमिट के बाद फाइल की गई है इसलिए लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। इस केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि पहली रिटर्न विद इन टाइम फाइल की गई थी और कोई डिफेक्टिव नोटिस इशू नहीं किया गया, इसलिए रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है और लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा ओरिजिनल रिटर्न फाइल की गई थी उसके बाद क्या वो ITR को रिवाइज कर सकता है क्योंकि मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया है मर्केंटाइल से कैश बेसिस पे? इसके लिए ITAT ने डिसीजन दिया है कि इस केस में कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हुई है, इसलिए SSC रिवाइज ITR फाइल नहीं कर सकता क्योंकि मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के अपनी इनकम को कम करके दिखाता है यानी कि इनकम को कंसील करता है, क्या वो रिवाइज ITR फाइल करके उसे ठीक कर सकता है? आंसर है नहीं। इस केस में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इस केस में कोई ओमिशन या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हुई है क्योंकि SSC को शुरू से ही पता था कि उसने गलत इनकम डिक्लेयर की है ITR में, इसलिए ITR को रिवाइज नहीं किया जा सकता और पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। केस के फैक्ट इस प्रकार थे। SSC के पास ट्रक थे और SSC के द्वारा रिटर्न फाइल की गई, उसके बाद रिटर्न को रिवाइज किया गया लेकिन फिर भी जो ट्रक से इनकम थी वो सही से नहीं दिखाई गई थी, जिसके बाद के इनकम टैक्स ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी थी। इस केस में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पेनल्टी बिल्कुल वैलिड है क्योंकि SSC को शुरू से ही पता था कि उसकी इनकम ज़्यादा है, फिर भी उसने कम करके अपनी इनकम को रिपोर्ट किया था, इसलिए पेनल्टी जस्टिफाइड है। यदि कोई टैक्स पेयर रिटर्न को रिवाइज कर रहा है तो ITR फॉर्म भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए उसके द्वारा ओरिजिनली सैलरी इनकम के लिए ITR 1 फाइल किया गया था, बाद में उसे पता चलता है कि उसने कैपिटल गेन की इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है और रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।